हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको जीके में पोस्ट मिड टर्म का कॉपी वर्क और बुक वर्क रिवाइज करवाएंगे। ये आपकी रिवीजन भी है और आपका एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क भी है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और अपना जो कॉपी में आपको स्कूल से दी गई है उसमें इसके पूछे गए क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, तो सभी बच्चे से ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। चलिए, मैं आज आपको जी में रिवाइज करवाती हूँ आपका कॉपी वर्क और बुक वर्क। कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। आपका जी के में लेसन 13 से पोस्ट मिड टर्म वर्क शुरू है। लेसन 13, आवर नेशनल सिंबल, सिंबल्स मीन्स होता है चिन्ह, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। विच इज आवर नेशनल फ्लैग, फ्लैग फ्लैग मीन्स झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसे हम तिरंगा भी कहते हैं और उसे हम ट्री कलर भी कहते हैं, क्योंकि तिरंगे में हमारे तीन कलर होते हैं तो उसे हम ट्री कलर भी कहते हैं। और तिरंगा आपको नाम से पता चला, ती यानी कि तीन रंगों का, इसलिए इसे हम तिरंगा भी कहते हैं। विच इज आवर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है। जन गण मन। विच इज आवर नेशनल सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम। विच इज आवर नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। टाइगर। विच इज आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। पिकॉक। विच इज आवर नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल लोटस। विच इज आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। विच इज आवर नेशनल ट्री बैनियन ट्री। ये हमारा नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय पेड़ पूछा, तो हमारा बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ जो है वह हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। आगे देखे हैं, आगे आते हैं आपकी मैचिंग। अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ किससे मिलता है। ये है हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक पिलर, अशोक स्तंभ तुम्हारा राष्ट्रीय चिन्ह है। गंगा, गंगा क्या है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर। गंगा क्या है, रिवर है, नदी है, तो ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है, एक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन हमारा जलीय जीव है यानी कि जल में रहने वाला, डॉल्फिन जल में रहती है तो ये हमारा जलीय जीव है। रुपीज़, रुपीज़ होती है हमारी करेंसी, इन्होंने हमारी करेंसी पूछा कि हमारी राष्ट्रीय करेंसी क्या है, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो होती है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। आप हमारे देश में रुपया तो चलता है तो ये हमारी राष्ट्रीय करेंसी है। किंग कोबरा, किंग कोबरा कौन है, किंग कोबरा है नेशनल रेप्टाइल यानी कि राष्ट्रीय रेंगने वाला जीव है। और इंडियन एलिफेंट हेरिटेज एनिमल, जो भारतीय हाथी है वो ऐतिहासिक पशु है, जो भारत का मतलब जो हाथी है, हाथी जो है हमारा देश का वह ऐतिहासिक जानवर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिलिप्स, आवर डैश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अशोक पिलर एट सारनाथ। आवर हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम अशोक पिलर, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से क्या लिया गया है, नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। आवर डैश हैज़ कंपोस्ट बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या कंपोस्ट किया गया है, क्या क्या गाया गया है, तो नेशनल सॉन्ग, क्या गाया गया है, नेशनल सॉन्ग। आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या लिखा गया है, नेशनल एंथम, क्या लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान। आगे देखते हैं लेसन 14, आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, वैन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस मीन 15 अगस्त, आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। वैन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, आप गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। वैन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, अध्यापक दिवस आप कब मनाते हैं, 5 सेप्टेम्बर को। वैन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, और बाल दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। When do we celebrate गांधी जयंती, आप गांधी जयंती कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। When do we celebrate environment day, पर्यावरण, environment day means होता है पर्यावरण दिवस, आप पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। आते हैं सम अदर इम्पोर्टेंट नेशनल डेज, इंडियन आर्मी डे, आर्मी डे कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। इंडियन एयरफोर्स डे, 8
अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर आता है आपका लेसन 15, फेमस बिल्डिंग्स। इसमें फेमस बिल्डिंग्स है, वेयर इज सिचुएटेड ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, इन आगरा। ताजमहल कहाँ पर है, इन आगरा, यानी कि आगरा में। हु वॉज बिल्ट ताजमहल, ताजमहल को किसने बनवाया था, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। वेयर इज सिचुएटेड हवा महल, हवा महल कहाँ पर स्थित है, इन जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर में। हाउ मैनी विंडोज इन हवा महल, हवा महल में कितनी विंडोज है, हवा महल में 953 विंडोज, विंडोज मीन्स खिड़कियाँ, 953 खिड़कियाँ हैं। वेयर इज लोकेटेड चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, इन हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद में। वेयर इज लोकेटेड गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, इन मुंबई, मुंबई में। वेयर इज लोकेटेड गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, इन अमृतसर, अमृतसर में। वेयर इज सिचुएटेड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, इन दिल्ली, दिल्ली में। वेयर इज सिचुएटेड लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं, वेयर इज सिचुएटेड इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पर है, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट भी कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर आता है राइट 6 फेमस बिल्डिंग्स नेम, आपको फेमस 6 फेमस बिल्डिंग के नाम लिखने हैं। क्या आएगा, ताजमहल, हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, लोटस टेम्पल। इसमें आप और जो भी आपको लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ये इजी से थे, मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया, आप और जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। देखिए, ताजमहल, हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, लोटस टेम्पल। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका लेसन 16, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान। वेयर इज गो टू हिंदूज फॉर वर्शिप, हिंदू लोग वर्शिप मीन्स पूजा करना, पूजा करने के लिए कहा जाते हैं, हिंदू पूजा करने के लिए कहा जाते हैं, टेम्पल, टेम्पल में, यानी कि टेम्पल मीन्स मंदिर, हिंदू लोग पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। वेयर इज गो टू मुस्लिम फॉर नमाज, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए कहा जाते हैं, मॉस्क्यू में, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। वेयर इज गो टू सिक्स फॉर प्रे, सिख लोग प्रार्थना करने के लिए कहा जाते हैं, वे कहा जाते हैं गुरुद्वारे में, कहा जाते हैं गुरुद्वारा। वेयर इज गो टू क्रिश्चियंस फॉर प्रे, क्रिश्चियंस लोग प्रार्थना करने के लिए कहा जाते हैं, चर्च में, कहा जाते हैं चर्च में। वेयर इज गो टू जैन्स फॉर प्रे, जैन लोग प्रे, जैन लोग जो होते हैं वो प्रार्थना करने कहा जाते हैं, वे जाते हैं जैन टेम्पल में, कहा जाते हैं जैन टेम्पल में। फिर आता है राइट 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, चार पूजा के स्थान बताइए। इसमें आता है टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा और चर्च। फिर आता है राइट द नेम्स ऑफ होली बुक्स, आपको धार्मिक बुक्स के नाम लिखने हैं। हिंदू उसकी धार्मिक बुक्स कौन सी होती है, भागवत गीता, कौन सी होती है, भागवत गीता। मुस्लिम्स की कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल और सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होती है, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आती है आपकी मैचिंग, हिंदूज लोग पूजा करने कहा जाते हैं टेम्पल, मुस्लिम मॉस्क्यू, सिख गुरुद्वारा, क्रिश्चियंस चर्च। शॉर्ट नेम्स, राइट द शॉर्ट नेम्स, लेसन 17 है, इसमें आपको ये फुल नेम्स है, आपको इनके शॉर्ट नेम बताना है कि हम हर चीज़ को किस तरह शॉर्ट नेम में लेते हैं। न्यूज़पेपर, हम कोई बच्चा न्यूज़पेपर तो नहीं कहता, कहते हैं न्यूज़पेपर को पेपर, एरोप्लेन को प्लेन, ऑटो रिक्शा ऑटो, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज, हैंडकरचीफ को हैंकी, हैंडकरचीफ मीन्स होता है रुमाल, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, और हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, हैंकी। टेलीफोन को फोन, मोबाइल फोन को मोबाइल, रिमोट कंट्रोल को रिमोट, रिमोट कंट्रोल को क्या कहते हैं, रिमोट। फिर आता है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर को कहते हैं कुकर। इंटरनेट को नेट, मेट्रो रेल को मेट्रो, टूथपेस्ट को पेस्ट, टेलीविज़न को टीवी, ब्रदर को ब्रो, सिस्टर को सिस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आगे आपका लेसन 19, अदर नेम्स। ये कुछ नाम है इनकी, जो अदर नेम, इन्हें हम अदर नेम से भी बुलाते हैं। टैक्सी, टैक्सी को हम क्या कहते हैं, टैक्सी को हम कैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं टैक्सी को, टैक्सी भी कहते हैं और कैब, कैब में भी कहते हैं। पीनट्स, पीनट्स क्या होते हैं, मूंगफली।
पीनट्स मीन्स मूंगफली, अब मूंगफली को हम ग्राउंड नट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राउंड नट्स। सनग्लासेस यानी कि धूप से बचने वाला चश्मा, तो हम गॉगल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉगल्स। रूस्टर, रूस्टर को हम कॉक भी कहते हैं। रूस्टर, रूस्टर मीन्स क्या होता है, क्या होता है रूस्टर मीन्स, रूस्टर यानी कि वो होती है रूस्टर मुर्गा, मुर्गा को हम कॉक भी कहते हैं। कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का, मक्का को हम मेज भी कहते हैं। एरोप्लेन, एरोप्लेन को हम एयरप्लेन भी कहते हैं। ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, और उसे हम एग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप एग के अकॉर्डिंग होती है, एग के तेज जैसी होती है, तो हम एग प्लांट भी कहते हैं। आई ग्लासेस, आई ग्लासेस यानी कि चश्मा, नॉर्मल चश्मा जो आप जब आई साइड वीक होती है तब बनवाते हैं, उसे हम आई ग्लासेस भी कहते हैं, और इसे हम स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स। फिर आता है आपका लेसन 14, सॉरी लेसन 24, क्या आता है लेसन 24, आवर सेंसेस, हमारी ज्ञान इंद्रिया। बैठा क्या, राइट फाइव सेंस ऑर्गन्स, आपको पांच ज्ञान इंद्रियों के नाम लिखने हैं, ये आपको मैंने इंग्लिश की बुक में भी पढ़ाया था। हमारी ज्ञान इंद्रिया क्या होती है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, क्या होती है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आगे देखते हैं, आगे आती है इसकी मैचिंग आईज, आईज का क्या काम होता है, सी, आईज का काम होता है सी यानी कि देखना। ईयर्स का हियर, हियर मीन्स सुनना। नोज का स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना। टंग, टंग का होता है टेस्ट करना, और स्किन का फील करना। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं लेसन 25, इसमें आपके कितने कंप्यूटर पार्ट्स, आपको कंप्यूटर पार्ट्स जो है वे याद करने हैं, इसमें कंप्यूटर पार्ट्स बताने हैं। अभी राइट सिक्स कंप्यूटर पार्ट्स, आपको सिक्स कंप्यूटर पार्ट्स के नेम बताने हैं। तो इसमें क्या आएगा, MOUSE माउस, MONITOR मोनिटर, CPU, SPEAKERS स्पीकर्स, KEY की, BOARD बोर्ड कीबोर्ड, PRINTER प्रिंटर। तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब आपका कॉपी वर्क पूरा हुआ, अब हम आपको बुक वर्क रीड करवाएंगे। देखिए, आवर नेशनल सिंबल्स, आवर नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। आवर नेशनल फ्लैग इज ट्रिकलर। आवर नेशनल एम्बलम इज अशोक पिलर। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर। आवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। आवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। आवर नेशनल फ्रूट इज मैंगो। आवर नेशनल ट्री इज बैनियन। आवर नेशनल रिवर इज गंगा। आवर नेशनल एक्यूटिक एनिमल इज डॉल्फिन। आवर नेशनल करेंसी इज रुपीस। आवर नेशनल रेप्टाइल इज किंग कोबरा। आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इज इंडियन एलिफेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं हमारे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, गांधी जयंती और एनवायरमेंट डे। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट, INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस, DAY डे इंडिपेंडेंस डे, REPUBLIC रिपब्लिक, DAY डे रिपब्लिक डे, TEACHERS टीचर्स, DAY डे टीचर्स डे, CHILDRENS चिल्ड्रंस, DAY डे चिल्ड्रंस डे, GANDHI गांधी, JAYANTI जयंती, गांधी जयंती, ENVIRONMENT इन्वायरमेंट, DAY डे इन्वायरमेंट डे। फेमस बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, फेमस प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी इमारतें, ये पिक्चर किस चीज़ की है, TAJ ताज, MAHAL ताज महल, हवा महल, HAWA हवा, MAHAL हवा महल। नंबर थ्री, इनकी चार मीनारें हैं, तो क्या है, CHAR चार, MINAR मीनार चार मीनार। नंबर फोर, GATEWAY गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। नंबर फाइव, गोल्डन टेम्पल, GOLDEN गोल्डन, TEMPLE टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। नंबर सिक्स, ये लंबी है, QUTUB कुतुब, MINAR कुतुब मीनार।
नंबर सेवन, ये लोटस किस शेप में है, तो इसे हम लोटस टेम्पल कहेंगे, LOTUS लोटस, TEMPLE टेम्पल, लोटस टेम्पल, INDIA इंडिया, GATE गेट, इंडिया गेट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंडिया गेट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, द हिंदूज गो टू एट ऑफ टू वर्शिप, द हिंदूज हिंदू लोग प्रेयर के लिए कहा जाते हैं टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, द मुस्लिम्स गो टू एट टू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम लोग कहा जाते हैं मॉस्क्यू, MOSQUE मॉस्क्यू, द सिक्स गो टू ए, सिख लोग प्रेयर करने के लिए कहा जाते हैं गुरुद्वारा, GURUTWARA गुरुद्वारा, द क्रिश्चियंस गो टू ए टू प्रे, क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करने के लिए कहा जाते हैं सर चर्च, CHURCH चर्च। फिर आते हैं आपके शॉर्ट नेम्स, ये आपको मैंने कॉपी में भी करवाए थे, वही हैं कि न्यूज़पेपर का शॉर्ट नेम क्या होता है पेपर, एरोप्लेन का प्लेन, ऑटो रिक्शा का ऑटो, रेफ्रिजरेटर को हम क्या कहते हैं फ्रिज, हैंडकरचीफ को हम हैंकी, टेलीफोन को फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को मोबाइल या फिर सेल, रिमोट कंट्रोल को रिमोट, प्रेशर कुकर को कुकर, और इंटरनेट को नेट। फिर आता है आपका लेसन 19, इसमें आते हैं अदर नेम्स, आपको इनके अदर्स नेम बताने हैं। टैक्सी को हम क्या कहते हैं, टैक्सी को हम कैब कहते हैं, पीनट्स, पीनट्स को हम ग्राउंड नट्स भी कहते हैं, सनग्लासेस इसे हम गॉगल्स कहते हैं, रूस्टर कॉक, कॉर्न को हम मेज भी कहते हैं, एरोप्लेन को हम प्लेन भी कहते हैं, प्रिंजल को हम एग प्लांट भी कहते हैं, और आई ग्लासेस को हम स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं। फिर आता है आपका लेसन 20, एड टू गेट समथिंग डिफरेंट, आपको इसमें ये जो अलग अलग पिक्चर्स दे रखी है आपको इन्हें ऐड करके एक पिक्चर बनानी है। देखिए कैसे बनेगी, हनी, ये क्या है, हनी प्लस कॉम, तो क्या बन गया, हनी कॉम यानी कि मकड़ी का जाला। फिर आता है बटर प्लस फ्लाई, तो क्या बन गया, बटरफ्लाई यानी कि तितली, हैंड प्लस बैग, हैंड बैग यानी कि हैंड बैग, फायर प्लस मैन यानी कि फायरमैन, फुट प्लस बॉल, फुटबॉल, रेन प्लस कोट, रेन कोट, स्टार प्लस फिश, स्टार फिश, सी प्लस हॉर्स, सी हॉर्स, क्या आया, सी प्लस हॉर्स, सी हॉर्स। फिर लिटिल वर्ड्स, ये आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है, आपको इससे लिटिल वर्ड्स निकालने हैं, मंकी, मंकी में से हमारा लिटिल वर्ड्स क्या निकला, की, बटरफ्लाई में से बटर, एलिफेंट में से आंट, बैलून में से बॉल, किचन में से हैन, कारपेट में से कार, मैंगो में से मैन, फार्मर में से आर्म, हार्ट में से ईयर, स्ट्रीट में से ट्री, क्लॉक में से लॉक, वेजिटेबल्स में से टेबल, रेनबो में से बो, बाउल्स में से आउल, स्ट्रिंग में से रिंग, गार्डन में से डैन, टैपर में से ऐप, और टेलीफोन में से वन। ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारा शॉर्ट नेम निकलता है यानी कि लिटिल वर्ड्स निकलता है। फिर आते हैं थिंग्स दैट टुगेदर गो टू, मतलब ये पेयर से आपको पेयर्स बनाने हैं, लॉक एंड, लॉक के साथ किसका पेयर बनता है, लॉक मींस ताला, लॉक एंड की, तो इसका पेयर बना लॉक एंड की, सॉक्स एंड शूज, किसका बनेगा, सॉक्स एंड शूज, टेबल एंड चेयर, नीडल एंड थ्रेड, पेंसिल एंड इरेजर, बीज एंड हनी, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, हैमर एंड नेल, कप एंड प्लेट, स्पून एंड फॉक। ओके स्टूडेंट्स, ये पेयर हैं आपके। फिर आता है द थिंग्स वी डू, आपको इसमें एक्शन वर्ड भरने हैं कि हम क्या करते हैं, वी डैश इन वाटर, वाटर में हम क्या करते हैं, स्विम, स्विम तैरते हैं, वी डैश एट नाइट, रात को हम क्या करते हैं, स्लिप, वी डैश एट क्लॉन्स, क्लॉन्स मीन्स जोकर, जोकर के हम क्या करते हैं, लाफ, वी डैश परफ्यूम, परफ्यूम की हम क्या करते हैं, स्मेल, वी डैश वाटर, वाटर को हम क्या करते हैं, ड्रिंक, ड्रिंक तो करते हैं, वी डैश फूड, हम भोजन क्या करते हैं, ईट, खाते हैं, वी डैश गेम्स, हम गेम्स को क्या करते हैं, प्ले, वी डैश टू म्यूजिक, म्यूजिक को हम क्या करते हैं, लिसन यानी कि सुनते हैं, वी डैश टेलीविज़न,
हम टेलीविज़न को क्या करते हैं, वॉच, क्या करते हैं, वॉच। वी डैश बुक्स, हम बुक्स को क्या करते हैं, रीड। वी डैश सॉन्ग्स, हम सॉन्ग्स को क्या करते हैं, सिंग। वी डैश काइट्स, हम काइट्स को क्या करते हैं, फ्लाई। वी डैश लेटर्स, हम लेटर्स को क्या करते हैं, राइट। वी डैश डेली, हम डेली क्या करते हैं, एक्सरसाइज। वी डैश इन एयर, हम एयर में क्या करते हैं, ब्रीथ। हम एयर में क्या करते हैं, ब्रीथ, हम एयर में सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हमारी ज्ञान इंद्रिया। आवर डैश हेल्प अस टू सी थिंग्स, हमारी चीज़ों को देखने में सहायता करती है, कौन करती है, आईज, कौन करती है, आईज। आवर डैश हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स, सूंघने में हमारी कौन सहायता करती है, नोज। आवर डैश हेल्प अस टू हियर म्यूजिक एंड साउंड्स, संगीत को सुनने में और आवाज़ देने में हमारी कौन सहायता करती है, ईयर्स। आवर डैश हेल्प अस टू टेस्ट द थिंग्स, चीज़ों को स्वाद चखने में कौन हेल्प करती है, टंग। आवर डैश हेल्प अस टू फील थिंग्स, महसूस करने में हमारे कौन सा अंग सहायता करता है, स्किन। यह आता आपका है चैप्टर 25 कंप्यूटर पार्ट्स, इसमें आपको कंप्यूटर पार्ट्स मैचिंग करनी है। माउस, इससे स्कैनर, ये है हमारा प्रिंटर, ये है सीपीयू, ये है स्पीकर्स, ये रहा हमारा पेन ड्राइव, ये रही मॉनिटर, ये रहा कीबोर्ड, ये है डीवीडी, ये है और वेबकॉम, ये है। तो यहाँ पर आपका जीके का वर्क कंप्लीट होता है, जीके का पोस्ट मिडटर्म का वर्क कंप्लीट हो गया। अब सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन आपसे प्रोजेक्ट एक्टिविटी में पूछे गए हैं उसी के आंसर आप इस वीडियो को देखने के बाद लिखेंगे। और सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ भेजी जा रही है यही आपके कोर्स से रिलेटेड है और यही आपका पोस्ट मिडटर्म का वर्क है। पोस्ट मिडटर्म का ऑल वर्क आपको एक एक वीडियो में सेंड किया गया है। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट एक्टिविटी करेंगे और एग्ज़ाम के लिए भी अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।